हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड साइड बार नेविगेशन पे काम किया था मोबाइल व्यू से रिलेटेड, ताकि लेट से अगर हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें ये साइड बार शो ना हो रहा हो, जैसे कि अभी हम लोग यहां पे देख सकते हैं। मैं एक दफा रिफ्रेश करके दिखा दूं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। सो गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग काउंटर कर रहे होंगे लेट से रिस्पॉन्सिवनेस के इशू को। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप देखें तो ये टेबल जो है हमारा वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिव से बाहर जा रहा है, और अगर मैं इस टेबल में डाटा को व्यू करना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो टेबल है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है, यहां पे स्क्रॉल अवेलेबल नहीं है। ओके, एक और चीज अगर दिखाऊं गाइस, तो यहां पे अगर आप देखें लेट से अगर मैं साइड नेविगेशन को ओपन करता हूं तो आप इसको देख सकते हैं। यहां पे ये जो हम लोगों ने कैटेगरी को डिस्प्ले किया है और साथ में जो बटन दिया हुआ है तो वो किस तरीके से शो रहा है। सो गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड इन इश्यूज को रिजोल्व कर रहे होंगे, और बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए चीजें। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं यहां पे फिक्स कर रहा हूं लेट्स से टेबल के इशू को। सो उसके लिए मैं एक्सेस करता हूं सबलाइम को। यहां पे मूव करते हैं हम लोग रिसोर्सेज, व्यूज, बैक एंड, और यहां पे मैं मूव करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज को देख रहे हैं। सो यहां पे कैटेगरीज को ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, सो सिंपली हमारे पास बूटस्ट्रैप में टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने की क्लास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं जस्ट यहां पे वो इंप्लीमेंट कर देता हूं, टेबल रिस्पॉन्सिव, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहां पे आके रिफ्रेश कर लेता हूं। सो अब यहां पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा जो टेबल है वो डिफ के अंदर मौजूद है, और यहां पे अगर मैं स्क्रॉल करना चाहूं तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि मैं अब सारा डाटा व्यू कर सकता हूं। ओके गाइस, सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इशू की तरफ, जो कि है एक्स्ट्रा पैडिंग, जो कि यहां पे इंप्लीमेंट हो रही है, अप्लाई हो रही है। सो इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करके इसको क्लिक करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो पैडिंग यहां पे मुझे मिल रही है वो किस रीजन की वजह से मिल रही है, लेट्स से वो किस एलिमेंट पे डिफाइन हुई हुई है, ये देखिए। ठीक है, सो यहां पे अगर आप नोट करें, यहां पे हमारे पास फ्लेक्स है, मिनिमम हाइट है, और मुझे जहां तक लगता है वो इस पैडिंग से रिलेटेड है। सो ये देखिए, वहां पे हाईलाइट भी हो गया। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं सो यह हमारे पास ये पैडिंग रिमूव हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसको मैं इनलाइन सीएसएस के थ्रू रिजोल्व करूंगा ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें कि हाँ हमारा जो इश्यू है वो इसी से रिलेटेड है। सो यहां पे मैं करता हूं स्टाइल पैडिंग 0px इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि ये अप्लाई हो हर हाल में। वैसे भी इनलाइन है तो लास्ट में यही अप्लाई होगी। ठीक है, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो चेंजेस है वो यहां पे रिफ्लेक्ट कर गए हैं, और इसी तरीके से अगर आप इस शो के लेट से एलिमेंट को देखें सो ये भी यहां से भी पैडिंग रिमूव हो गई है, जिसको अभी हमने सॉल्व करना है। इसी तरीके से मैं टेबल के बॉटम पे आता हूं तो यहां पे भी आप देख सकते हैं बॉटम से भी पैडिंग चली गई है। क्यों? क्योंकि गाइस, जब भी मैं पैडिंग बता देता हूं खाली, और लेट से अगर मुझे किसी स्पेसिफिक साइड पर लगानी है लेट से पैडिंग टॉप, सो मैं इस तरीके से बताता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर बताता हूं पैडिंग जस्ट, सो इसका मतलब है ये जो स्टाइल है यहां पर जो भी आपने वैल्यू दी हुई है वो चारों साइड्स के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, सो या गाइस, ओके, सो हमारा सक्सेसफुली पैडिंग के थ्रू हमारा इशू रिजोल्व हो रहा है। उसके अलावा जो इशू हम फेस कर रहे हैं उसको रिजोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसकी मैं क्लास बना लेता हूं, उसके लिए मैं कस्टम सीएसएस को एक्सेस करता हूं, custom.css जो कि रिलेटेड है बैकएंड से। यहां पर मैं क्लास बना रहा हूं गाइस, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहां पर मैं कस्टम क्लास बना लेता हूं, कस्टम कार्ड, क्योंकि कार्ड पे इंप्लीमेंट हो रहा है, कार्ड बॉडी पैड 0 और 0 पैड लेट से। ठीक है, ताकि हमें आइडिया भी हो हम यहां पे कर क्या रहे हैं। सो यहां पे मैं कर देता हूं पैडिंग 0px इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया भी देता जा रहा हूं गाइस, इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं। ओके, सो यहां से इसी क्लास नेम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहां पर अप्लाई कर देते हैं रिस्पॉन्सिव के बाद, और यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके गाइस, अब मैं यहां पे मूव करता हूं वापस से, और मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि गाइस सेम हमारे पास जो स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है हमारी जो क्लास है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। ओके गाइस, यहां पे मैं एक चीज आपको और दिखाता चलूं, मैं उसके लिए स्विच करूंगा वेब व्यू में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, अगर हम लोग अपनी नॉर्मल वेब को देखें इस स्टाइल को इंप्लीमेंट करने के बाद, तो हमारा व्यू कुछ इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि पैडिंग हम लोगों ने हर साइड से रिमूव कर दी है। सो इसको एनकाउंटर करने के लिए मैं एक मीडिया क्यूरी लगा रहा हूं जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस हम लोग इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉप और बॉटम पे जो पैडिंग है, सो उसके लिए मैं क्या करता हूं गाइस, मैं वापस मूव करता हूं कस्टम सीएसएस पे, यहां पर बता देता हूं पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, और इसी के साथ मैं बता देता हूं पैडिंग राइट
जो है वो 0 पिक्सल रहेगी, बाकी हर जगह से जो आपको डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट से पैडिंग 0 हुई हुई है, राइट से 0 हुई हुई है जैसे पहले थी ऑलरेडी। यहां पे अब आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग हमें मिल रही है वही अप्लाई हुई यहां पे। ठीक है, अब आती है बात गाइज वेब व्यू की। लेट से अगर मुझे एक स्टाइल चाहिए मोबाइल व्यू पे और डिफरेंट स्टाइल चाहिए यहां पे अपने वेब व्यू पे और मोबाइल व्यू पे लेट से डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए गाइज हमारे पास मीडिया की क्यूरीज मौजूद होती हैं जो कि बहुत ही इफिशियंट है, जैसे कि अभी आप लोग देख लेंगे। सो यहां पर मैं क्यूरी बना रहा हूं एट मीडिया स्क्रीन एंड यहां पे मिनिमम विथ बताऊंगा, मिनिमम विथ मोबाइल की जो हमारे जो भी लोएस्ट मोबाइल होगी जो उसकी पिक्सल होगी मिनिमम वो 320 होती है गाइस। ठीक है, सो 320 और मैक्सिमम वैल्यू भी मैं बताऊंगा एंड मैक्स विथ हो 768 जो कि लेट्स से पैड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सो यहां पे अब जो भी मैं बताऊंगा वो स्टाइल वो सिर्फ उसी रिस्पेक्टिव रेंज में अप्लाई होगा, दैट्स इट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अभी आप लोग देख लेंगे। सो मीडिया स्क्रीन मिनिमम विथ मैंने बताई भी है, एक रेंज बता दी 320 पिक्सल से 768 पिक्सल हो तो आपने ये क्लास अप्लाई करनी है या लेट से ये काम आपने करना है, उसके अलावा ये कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं करेगा। सो इसके लिए गाइज मैं वापस मोबाइल व्यू पे आता हूं, मैं एक दफा आप लोग को रिफ्रेश करके दिखा दूं। सो यहां पर आप देखिए हमारा स्टाइल इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से बॉटम को भी दिखा देता हूं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसी को वेब व्यू पे अब अगर एक्सेस कर ले तो ये देखिए यहां पे हमारा स्टाइल कैसे शो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं आप लोगों को। सो या, सो ये होती है गाइज मीडिया क्यूरी और बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। मुझे पता है आप लोग लेट से फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है लेकिन फिर भी इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ये वक्त के साथ साथ आप लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि हर काम के लिए हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर के पास नहीं जा सकते। ओके गाइज, यहां पर एक दो चेंजेस जो मैं और करना चाहूंगा वो ये है कि इस बटन को और इस H6 को मैं छोटा करना चाहता हूं, क्योंकि उसका रीजन ये है। ये देखिए, तो ये कैसे मतलब आपस में शो हो रहा है जब भी मैं नेविगेशन खोलता हूं, सो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, सो इसको सेट कर लेते हैं गाइस। इसके लिए इसकी हम लोग जो फॉन्ट साइज है उसको लो कर सकते हैं। सो यहां पे ये देखिए, सो वंस अगेन मैं मोबाइल क्यूरी के अंदर के जब भी लेट से मैं मोबाइल व्यू में हूं या मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ ये है मेरे पास तो हमने ये काम करना है। सो यहां पर मैं एक कस्टम H6 की क्लास बना रहा हूं, H6 जस्ट लाइक दैट, फॉन्ट साइज लेट से 13 पिक्सल और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे वैसे अगर मोस्टली हम लोग इंपॉर्टेंट ना भी इंप्लीमेंट करें तो भी ये सक्सेसफुली काम कर जाता है क्योंकि ये मीडिया क्यूरी है, इसकी अपनी लेट से प्रायोरिटी होती है गाइस। ओके, सो ये मुझे अप्लाई करना है H6 पे जो कि है यहां पे हेडिंग। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हैं ये नेम हमारे पास शॉर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं इस बटन को भी करना चाहूंगा, सो इस बटन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग गाइस। सो यहां पे गाइज मुझे चाहिए, आई थिंक ये मुझसे रिलेटेड नहीं है लेकिन यहां पे जो बटन की क्लास इंप्लीमेंट हुई हुई है यहां पे ये देखिए फॉन्ट साइज और पैडिंग, तो इन दो चीजों को मुझे छेड़ना है। ये देखिए ठीक है। सो इससे इश्यू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा तो एक और क्लास बना लेता हूं मैं। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं कस्टम और लेट से इसका जो बटन है सो कस्टम बटन कर देते हैं। सो इसको हम लोग कर देते हैं वंस अगेन फॉन्ट सॉरी साइज 13 px इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर नाउ इंपॉर्टेंट रखें इसको, और पैडिंग जो है वो हम कर देते हैं 3 pixels इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक दैट। अब इसको व्यू कर लेते हैं गाइज वापस से। ठीक है, ओके गाइज, सो अब हमारा व्यू कुछ इस तरीके से बन गया है और आई थिंक मैंने ये क्लास अप्लाई नहीं करी, सॉरी फॉर दैट गाइज। ओके, सो कस्टम BATN बाय डिफॉल्ट मैं यहां पे नाम दे देता हूं, यहां पे हम लोग ने अप्लाई करना है क्योंकि ये है हमारा बेसिकली बटन। ठीक है, एंकर के थ्रू, सो कस्टम माइनस BATN-BATN यू कैन से रिफ्रेश और अब आप देख सकते हैं चेंजेस। सो लेट से अगर मैं साइड बार को ओपन करता हूं सो अब हमारा व्यू कुछ इस तरीके से होगा या लेट से खराब नहीं होगा। ओके, सो गाइज ये क्लासेस बनाने का मकसद क्या है कि अब जितने भी क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी लेआउट को फॉलो कर रहे हैं हर पेज के लिए, सो हर जगह पे अब हम ये चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फॉरन एग्जाम्पल दिखा देता हूं, मैं ओपन करता हूं अपने पास यहां पर टैग्स की ब्लेड को, दिस वन। ठीक है, और यहां पर सिंपली क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। सो कस्टम H6 फॉर मोबाइल व्यू, ठीक है, इसी तरीके से बटन की क्लास कस्टम माइनस और -BATN और इसी तरीके से यहां पे अपनी बाकी दो क्लास जो कि हैं टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, और इसी के साथ कस्टम कार्ड बॉडी 0 पैड। ठीक है,
अब इसको व्यू कर लेते हैं गाइज। अगर मैं बाय डिफॉल्ट आपको दिखाऊं तो यहां पे भी हमारे पास वही इशू था, ये देखिए। सो इसको अब रिफ्रेश कर लेते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पे भी ये इशू रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। सो इसी तरीके से प्रोसीड करूंगा मैं आगे भी। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग के साथ मैं ये चेंजेस करूंगा एक और लिंक पे, लेट्स से ब्लॉग पे, ताकि मैं वीडियो का साइड टाइम सेव कर सकूं गाइज। बाकी जगहों पे जहां पे हम लोग बटन यूज नहीं कर रहे, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा उसकी। पहले ब्लॉक पे मूव करते हैं, सो ब्लॉक्स डॉट ब्लेड, यहां पे भी ये क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। सो ये है कस्टम H6 गाइज। अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इनका साइज जो है वो शायद और रिड्यूस कर रहे हो, लेकिन फॉर नाउ ये हमारे लिए ठीक काम कर रहा है। सो हम लोग इसी साइज के साथ मूव ऑन कर रहे होंगे। सो यहां पे होगा कस्टम -BTN जस्ट लाइक दैट। यहां पे हो जाएगी टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, और इसी के साथ होगी कस्टम और कार्ड बॉडी 0 pad जस्ट लाइक दैट। सो ब्लॉक व्यू को भी अब रिफ्रेश कर सकते हैं और ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे भी ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अगर मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं क्योंकि यहां पे डाटा ज्यादा है, तो ये देखिए, ठीक है। सो इसी तरीके से गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं सेम प्रोसीजर यूजर्स के लिए और जहां जहां पे हमारे पास मौजूद है। सो वेटिंग अप्रूवल में जाता हूं, यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग हमारे पास बटन नहीं है, तो यहां पर बटन की क्लास की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो इसको भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। सो अवेटिंग अप्रूवल से रिलेटेड जो मेरे पास पेज है आई थिंक ये है। सो यहां पे या एग्जैक्टली सो यहां पे मैं लगा देता हूं कस्टम H6, ठीक है, और यहां पे मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं टेबल रिस्पॉन्सिव और साथ में कस्टम कार्ड बॉडी 0 pad जस्ट लाइक दैट। इसको व्यू कर लेते हैं। ओके गाइस, सो यहां पे भी आप देख सकते हैं हमारा इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसको ओपन करें तो हमारा व्यू कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। सो या विच इज एक्सेप्टेबल। सो गाइस इसी तरीके से आप लोग ये सेम प्रोसीजर यूजर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, सीएमएस में भी अगर कोई इशू है तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सीएमएस में आई थिंक थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है। मैं इसको देख लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर रहे होंगे। सो जहां जहां पे हमारे पास टेबल है, लेट से कैटेगरीज, टैग्स, ब्लॉग्स, अप्रूवल, कॉन्टेक्ट मैसेज, यूजर्स, यहां पर ये क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग का इशू जो है रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड बेसिकली जो इन 3-4 चीजों के लिए मैंने बताया वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस के इशू, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहां पे अगर हम लोग देखें हमारे पास फिलहाल कोई यहां पे ऐसा इशू नहीं है, सो इसको इससे हम लोग आगे चल रहे होंगे। अब मैं लास्ट स्टेप भी देख लेता हूं, ठीक है। सो बाकी जो लिंक्स आप लोग रह गए उस पर आप लोग काम करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे मॉडल्स के वो कैसे ओपन हो रहे हैं, जैसे कि एड ब्लॉक पे अगर क्लिक करता हूं तो यहां के व्यू को भी हम लोग सही कर रहे होंगे, ठीक है गाइज। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। यहां पे ये इशू देख सकते हैं आप लोग, सो इसको रिजॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, टेक केयर, एंड यस गाइज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टेक केयर।